तो पबजी मोबाइल इंडिया में फाइनली कब आने वाला है? अभी तक डिसीजन चालू है, तो पबजी मोबाइल इंडिया में एक्चुअल में आने वाला है भी या नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डिटेल्स मिस ना हो। लेट्स गो। तो पबजी मोबाइल इंडिया में लॉन्च होने वाला था, ये बोला था खुद पबजी कॉर्पोरेशन ने कि हम यहाँ पर कंपनी चेंज करने वाले, फ्लोटिंग कंपनीज, मतलब यहाँ पर जो चाइनीज टेंशन गेम था उसको चेंज करके हम आपको पबजी कॉर्पोरेशन के कंपनी के साथ मर्ज करके इंडिया में लॉन्च कर देंगे। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था और बोला था कि नवंबर के एंड तक तो पबजी मोबाइल्स आपको इंडिया में खेलने को ज़रूर से देखने को मिलने वाला है, जिसके चलते काफ़ी सारे गेमर्स यहाँ पर खुश हुए थे और मैं भी खुश हुआ था। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? प्ले स्टोर पर भी यहाँ पर सर्च करता था तो पबजी मोबाइल्स का गाइडेंस वगैरह दिखता था, बट यहाँ पर पबजी मोबाइल्स इंडिया में फ़िलहाल तो नवंबर एंड भी चला गया, अभी दिसंबर स्टार्ट हो गया है, पबजी मोबाइल लॉन्च नहीं हुआ। और कहते थे कि पबजी मोबाइल दिसंबर के फर्स्ट वीक तक लॉन्च होगा, बट तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोर्ड, इंसाफ नहीं मिला। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट से ये सवाल पूछा था कि क्या पबजी मोबाइल्स इंडिया में आने वाला है, तो उनका जवाब था नहीं, कि यहाँ पर पबजी मोबाइल्स कॉर्पोरेशन की कंपनी यहाँ पर चेंज हुई है, लेकिन हम लॉन्च नहीं करने वाले, रीलॉन्च नहीं करने वाले इंडिया में फिलहाल। तो मिनिस्ट्री से यहाँ पर काफी सारे सवाल किए थे कि क्या पबजी मोबाइल्स इंडिया में आएगा, तो वो कहते हैं कि MEITY से जब आपका परमिशन ग्रांट होने वाला है तभी ही पबजी मोबाइल्स आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और माइटी कहती है हम यहाँ पर परमिशंस नहीं दे रहे पबजी को रिलॉन्च करने के इंडिया के लिए, तो वो कंपनी कितने भी फ्लोटिंग कंपनीज आपको मतलब चेंज करती रहे, बट इंडिया में वो बैन हो गया है अदर 69 चाइनीज एप्लीकेशन के साथ। तो जैसे कि यहाँ पर पबजी मोबाइल्स अदर ब्रांड्स को लेके आता है, मतलब कंपनीज के साथ मर्ज होके इंडिया में आना चाहता है, तो वो नहीं हो सकता। वैसे तो अभी टिकटॉक और अदर ब्रांड्स भी यहाँ पर वही कोशिश करेंगे जो हम नहीं चाहते, तो यहाँ पर कुछ अलग सा सिचुएशन बन गया है। तो चाइनीज एप्लीकेशंस तो एक्चुअल में रहता नहीं, फिर भी यहाँ पर बैन हुआ है, तो इसकी वजह से इंडिया में आने के लिए काफ़ी सारा कन्फ्यूजन सा यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पर यह भी कहा है कि मीटिंग्स वगैरह सब कुछ रखने वाले हैं कि पबजी रिलॉन्च करना है या नहीं इंडिया में, और पबजी कॉर्पोरेशन भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है मीटिंग्स को अच्छे से यहाँ पर अटेंड करे, और सब कुछ जो यहाँ पर परमिशन ग्रांट वगैरह सब कुछ उनको अच्छे से एक्सप्लेन करे कि हम चाइनीज नहीं है, हम साउथ कोरियन कंपनीज है, तो कुछ इस तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि पबजी मोबाइल्स इंडिया में फाइनली लॉन्च हो जाए। बट काफ़ी यहाँ पर टाइम लग सकता है और दिसंबर के एंड तक यहाँ पर आपको शायद से देखने मिले पबजी, क्योंकि अफवाह बन गई, क्योंकि जनवरी और फरवरी के टाइम पर आपको शायद से पबजी जरूर से देखने को मिलने वाला है, ये एक नया रूमर्स आप बोल सकते हो। चीटिंग करता है तू, क्योंकि यहाँ पर माइटी मानने को तैयार नहीं है कि पबजी मोबाइल बैन है, तो वो बैन ही रहने वाला है, इंडिया में नहीं आएगा, सकती है यहाँ पर उनकी। तो वो कहते हैं कि जो भी यहाँ पर सिचुएशन चालू है उसके चलते पबजी मोबाइल आपको ये साल तो ज़रूर से नहीं देखने को मिलने वाला, जनवरी और फरवरी के नेक्स्ट ईयर आपको शायद से स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव कर दे, परमिशन दे दे गेम को वो लॉन्च करने की फिर से इंडिया में, बट फिलहाल तो नो परमिशंस फॉर पबजी मोबाइल्स इंडिया, और ऐसे ही यहाँ पर सपने टूट जाते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे गेम्स देखने को मिलने वाले, शायद से फौजी भी दिसंबर में ही लॉन्च हो जाएगा, वो तो एटलीस्ट गेम इंडियन है तो उसे जल्दी से जल्दी लॉन्च करे, काफ़ी डिले कर दिया, नवंबर में वो लॉन्च होने वाला था लेकिन अभी यहाँ पर फौजी को भी काफ़ी टाइम हो गया। तो सवाल यहीं पर ख़त्म नहीं होते, मिनिस्ट्री से तो सवाल कर दिया, लेकिन तो माइक्रोसॉफ्ट अजर पार्टनरशिप करते हैं पबजी कॉर्पोरेशन से साथ, जहाँ पर आपको सर्वर्स वगैरह सब कुछ होस्ट करके देने वाली थी, तो उनके पास भी पबजी रीलॉन्चिंग की न्यूज़ नहीं है जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो मतलब यहाँ पर उनसे भी सवाल किया था कि क्या इंडिया में पबजी लॉन्च होने वाला है, तो वो बोले कि हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है जहाँ पर हम आपको बोले कि इंडिया में रीलॉन्च हो जाएगा पबजी मोबाइल्स। तो कुछ इस तरीके से डबल साइड यहाँ पर कन्फर्म हो जाती है कि माइक्रोसॉफ्ट अजर से भी कोई न्यूज़ नहीं है कि पबजी मोबाइल्स इंडिया में ये महीने तो देखने को मिलने वाला है, और साल वैसे भी खत्म होने को आ रहा है, तो हम ये वीडियो खत्म कर देते। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो जरूर लाइक बटन ट्वीट कीजिए, अगर आपको कोई सवाल प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे सवाल के जवाब देता हूँ, एंड डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू जीटेक, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, हिट द बेल आइकन, बाय।